जनता कर्फ्यू के बाद अब दिखेगी पुलिस की सख्ती। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जनता कर्फ्यू के बाद अब 31 मार्च तक पुलिस ने सख्ती करने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और धारा 144 का उल्लंघन करने पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जाएंगे। कोरोना के संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए जिले में लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में आमजन को बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर निकलने की मनाही रहेगी। धारा 144 पहले से लागू है, लेकिन पुलिस अभी तक सख्ती नहीं कर रही थी और आमजन बाहर घूमते नजर आ रहे थे। ऐसे में शहरवासियों को सजग व सतर्क करने के लिए पुलिस ने सख्ती से कार्यवाही करते हुए धारा 144 का पालन कराने का निर्णय लिया है। 31 मार्च तक जनता कर्फ्यू की तरह लोगों को अपने अपने घरों में बंद रहने की अपील की गई है। जरूरी होने पर ही उन्हें घर से बाहर निकलने की छूट दी जाएगी। इसके लिए पुलिस अफसर और थानेदारों को सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने वालों की धर पकड़ कर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अफसर व थानेदारों को कहा गया है कि वो अलर्ट रहें। शहर के साथ ही जिले में लॉकडाउन होने के बाद पुलिस अफसरों और थानेदारों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के लिए कहा गया है और धारा 144 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है ताकि कहीं भी 5 से अधिक लोगों का जमावड़ा ना दिखे। शहर के साथ ही जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान मार्केट और दुकानों को 31 मार्च तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान आमजन को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए अति आवश्यक सेवा वाली दुकानें खुली रहेंगी। शहर के अलग अलग जगहों पर हमने इस तरह से